तो गाइस आज का दिन जो है, आज मेरे प्रिय मित्र बंकू जी और मेरे प्रिय मित्र कमलेश जी का उनका एनिवर्सरी है और बंकू जी का बर्थडे है, तो बर्थडे मैं सेलिब्रेट करता हूँ। तो अभी जस्ट वो आ रहे हैं, ठीक है गाइस। बंकू जी जिनका आज बर्थडे, इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि अपने जिंदगी में खुश रहें और सभी के साथ खुशियाँ मनाएं और सभी लोगों के साथ। अभी सुबह मॉर्निंग टाइम में मालूम चला है कि इनका बर्थडे है, काफी खुशी की बात है कि ये आज कितने साल के हो गए, 23 ईयर्स ओल्ड, और खुशी के मारे ये लोग धरती का जूस लेकर आए हैं। धरती का दूध है, समझे कि जूस जिसको हम लोग देसी भाषा में ताड़ी कहते हैं, और इसको पीने के लिए इनके लिए सब माननीय डिग्री जी के सारा व्यवस्था किया गया है। हम लोग को तो काफी कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम भी इतना पी सकते हैं। अभी दिखाते हैं क्या स्वाद है, क्या 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 कुछ बोलना चाहेंगे इनके लिए। बोलेंगे कि भाई हमारा बहुत लंबी उम्र हो। हमारा किन का? अरे इनका, हमारे भाई का भी। बोल नहीं पा रहे हैं सही में। नहीं क्या करें, गाड़ी में लेके आ जाएंगे ना, गाड़ी पीने में व्यस्त है ना। रजुआ किया चल, जो ताड़ी वाली पार्टी थी पूरा खत्म हो चुकी है। और अभी देख सकते हैं कि हम सभी लोग, पूरा सभी लोग, कम से कम 9 लोग जा रहे हैं ब्रज स्नान करने के लिए, और वहीं पे बर्थडे सेलिब्रेट होगा। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। तो अभी चलते हैं हम लोग ब्रज, तो वहाँ का सीन आपको दिखाते हैं। साथ सभी देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप पे हैं और जो बाइक को एक से सब में तेल भरवा रहे हैं। फाइनली गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं मधुबन, और देख सकते हैं कि सभी लोग बैठे हुए हैं केक के इंतजार में। तो ये मधुबन एक केक की शॉप है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है केक का। फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं ब्रज घाट पे। अब देख सकते हैं कि जो ये रास्ता है पगडंडी, इसी को पकड़ के अब हम लोग जा रहे हैं, यहाँ से कुछ ही दूरी पे है। तो गाइस अभी हम लोग पगडंडी रास्ते से जिससे आ रहे थे यहाँ पे रुके हैं। यहाँ पे रहते हैं कि छाँव के लिए, यहाँ पे जो यहाँ पे एक पेड़ है जो इसको हम लोग बांस का पेड़ बोल सकते हैं, यहाँ पे बीच में मिला है। तो सभी लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, और हमारे जो बंकू जी थे खो गए थे यहीं पे। तो अभी वो देख सकते हैं कि जो गाड़ी वहाँ से आ रही है एक साइकिल के पीछे, वहाँ पे अभी लोकेशन भेजने के बाद जस्ट आ रहे हैं ब्रज घाट पे। और देख सकते हैं कि यहाँ पर फीफा पुल, और गाइस ये है ऑफ रोडिंग। इस पे करने के लिए हमारे मैक्सी जी और राजू जी तैयार नहीं है, तो अभी हम लोग पैदल ही पैदल उतर के जाएंगे इससे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और बाप रे बाप कितना गर्म है, ओहो बहुत ज्यादा हीटिंग है गाइस। और अभी हम लोग आ चुके हैं ब्रज घाट पे, और देख सकते हैं कि पानी कितना क्लीन है। तो आज नहाएंगे हम लोग मस्त। जिसका बर्थडे है उसको लग गई है टॉयलेट, और यहाँ घाट पे कहाँ कोई टॉयलेट करने की व्यवस्था है। तो देख सकते हैं कि चेहरा की हालत देख सकते हैं कितना बिगड़ा हुआ है। देखिए जो ये पुल बन रहा है, ये मऊ जिला और देवरिया जिलों को जोड़ने के लिए बन रहा है। जस्ट इधर मऊ जिला है, उधर देवरिया पड़ जाएगा। बता दें कि इन लोगों को बस चढ़ा रहे कि अंदर आओ, क्योंकि डूबा उतना है नहीं और पानी का बहाव काफी तेज है। और देख सकते हैं कि सभी लोग धीरे धीरे घाट छोड़ करके काफी अंदर हम लोग आ चुके हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि अभी हम लोग इसी पानी के बीचों बीच केक काट कर उसके बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे। केक अपना आ चुका है, और इसी बीच में हम लोग केक काट कर काफी सरप्राइज करने वाले हैं। और पास
तो गाइस अब हम लोग बाहर निकल चुके हैं, अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे घर के लिए। बीच में मधुबन रुकना है, वहाँ पे हम लोग कुछ खाएंगे क्योंकि लगी है बहुत तेज भूख। तो चलिए मधुबन आप लोगों से मिलते हैं और वहाँ पे कुछ भी खाना होगा सभी लोग साथ खाएंगे, वो चीज आपको देखने को मिलेगा। तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ से गाइस धूप इतना ज्यादा था कि हम लोग आए और रास्ते में लगी थी इतना ज्यादा प्यास कि ऐसे पीना तो पॉसिबल नहीं था। तो आंटी जी बैठे थे तो हमने मांगा भैया आंटी जी थोड़ा सा भेली दे दीजिए, तो उन्होंने रखी थी तो ये भेली दी थी, तो भेली का स्वाद काफ़ी बेटर था और आंटी जी ने हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया पानी पीने के लिए, तो बहुत अच्छा लगा। ऐसे गांव समाज में बहुत अच्छा लगता है जब इसे लोग सम्मान के साथ पानी उन्हें पिलाते हैं। तो गाइस अभी हम मधुबन आ चुके हैं रेस्टोरेंट में, देख सकते हैं पूरा है, एक साइड का जो पोजीशन है यहाँ से वहाँ तक पूरा फुल है। हम लोग 9 लोग हैं और डिसाइड नहीं हो पा रहा है क्या क्या खाया जाए। तो राइस खाएँ कि नूडल, आपको क्या पसंद, आप क्या 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 चाहेंगे? नूडल। ए छोटू 9 प्लेट हाफ नूडल बना दो। तो गाइस अपना नूडल्स तैयार है, देख सकते हैं काफ़ी स्पाइसी है, इसको चेक करके बताते हैं कैसा लग रहा है। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग नहा कर आए थे तो 2-3 घंटे हम सो गए हैं, फिर देखें तो शरीर में बहुत ज़्यादा बालू चिपक गया था, तो फिर से नहाए घर पर आ करके। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। पकड़ ले पहले फोटो पकड़ ले, इधर पकड़ ले, मुझे कैमरा फॉलो कर रहा है ना।